अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं 2023 का सेशन और उसका फर्स्ट लेक्चर है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बुक का। हमने सभी बुक के सेशन स्टार्ट किए हैं ताकि हम डिटेल के साथ डिस्कस कर सकें हर टॉपिक को अच्छे तरीके से। तो मैं आपको बताऊंगी साथ साथ के कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन है, कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन है, और आपको होमवर्क दूंगी और आपने होमवर्क क्लास में करना है। और दूसरी बात, आपने कम्युनिकेट करना है मेरे साथ, मुझे बताना है कि आपको कैसी समझ आ रही है, मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, कहाँ पे आपको कन्फ्यूजन है, ताकि मुझे भी लगे कि मैं पढ़ा रही हूँ और आगे जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं। और अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर करें, एक कम्युनिटी बनाएं ताकि मैं एक कंसिस्टेंस वे में आपको लेक्चर अपलोड करती रहूं। तो सबसे पहले बात करते हैं डाटा की। तो डाटा टर्म यूज होती है कंप्यूटर साइंस में, तो इसकी डेफिनेशन अक्सर आ जाती है। तो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज डाटा, डिफाइन डाटा, या आप डाटा टर्म के बारे में क्या जानते हैं। डाटा टर्म की बात करूं तो सबसे पहले जो डाटा टर्म है वो इंग्लिश डिक्शनरी में यूज हुई थी 1640 में, यानी 1640 में यूज हुई थी डाटा वर्ड जो इंग्लिश डिक्शनरी में यूज हुआ था। अगर इसकी कंप्यूटर साइंस टर्म में बात करूं तो कंप्यूटर साइंस में जो डाटा टर्म यूज हुई थी वो हुई थी 1946, यानी 1946 में। तो कंप्यूटर में इसका मतलब ये था कि जो इंफॉर्मेशन स्टोर या ट्रांसमिट की जा सकती है, जो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन स्टोर या ट्रांसमिट की जा सकती है उसे हम डाटा कहते हैं। ये मैं बेसिकली आपको एडवांस इंफॉर्मेशन दे रही हूँ डाटा के बारे में, कि डाटा की जो कंप्यूटर में टर्म यूज हुई थी डाटा वो कब हुई थी, 1946 में हुई थी। अब इसके डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। तो डाटा एक कलेक्शन है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर की, यानी डाटा एक तरह से इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमें मीनिंग नहीं दे रही, कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं दे रही, ऐसी इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं जी, डाटा कहते हैं। अब उसने वर्ड रॉ का बता दिया कि ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो कि प्रोसेस नहीं हो पा रहे, कोई हमें एग्जैक्ट मीनिंग नहीं दे पा रहे। और डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, ये नहीं है कि सिर्फ एक सोर्सेज से डाटा कलेक्ट होता है, डिफरेंट सोर्सेज से डाटा कलेक्ट होता है, डिफरेंट पर्पज के लिए डाटा कलेक्ट किया जा सकता है। अब जो डाटा है वो नंबर भी हो सकता है, कोई करेक्टर भी हो सकता है, कोई सिंबल या पिक्चर भी हो सकती है। जैसा कि आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट का डाटा कलेक्ट करना है तो उसमें आपका जो रोल नंबर होगा वो नंबर्स में हो सकता है, आपका नेम करेक्टर में होगा, इसी तरह कोई पिक्चर्स हो सकती है, सिंबल्स हो सकते हैं, तो डाटा इन पे कंसिस्ट कर सकता है। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि जो डाटा वे एक टर्म है जो कंप्यूटर साइंस में 1946 में यूज हुई थी, और ये एक कलेक्शन होती है रफ फैक्ट्स फिगर की, यानी ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमें एग्जैक्ट मीनिंग नहीं दे रही। उसके बाद हम इसे डिफरेंट पर्पस के लिए और डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं, जैसे कि मर्दमशुमारी के लिए डाटा कलेक्ट करना है तो जाकर आबादी का डाटा कलेक्ट होगा, स्टूडेंट के मार्क्स के लिए कलेक्ट करना है तो स्टूडेंट के सब्जेक्ट से कलेक्ट होगा। तो इस तरह से डिफरेंट सोर्सेज से डिफरेंट पर्पस के लिए हम डाटा कलेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि आपने कितना करना है, यहां से लेकर यहां तक के अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डाटा। और उसके बाद आप बताएं कि डाटा डिफरेंट सोर्सेज से और डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होता है और इस पर कंजिस्ट कर सकता है, तो दो नंबर के लिए इतना काफी है, लेकिन इतना आपका बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से होना चाहिए। उसके बाद उसने बताया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट या वाइटल रिसोर्स होता है। रिसोर्स कोई भी वैल्यूएबल थिंग हो सकती है, जैसे कि आपके मार्क्स है स्टूडेंट के या आपका रोल नंबर है, तो वह एक कॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। इसी तरह कॉलेज के अंदर आप भी एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, टीचर भी इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। तो इस तरह से जो भी वैल्यूएबल होगी चीज उसको हम क्या कहेंगे, वो एक रिसोर्स है। यहां पर उसने कहा कि बिल्डिंग हो सकती है, फर्नीचर या एम्प्लॉय वगैरह हो सकते हैं। और डाटा इज कंसिडर अ रिसोर्स बिकॉज इट प्रोवाइड करेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर मेकिंग प्रॉपर एंड टाइमली डिसीजन। जैसे कि आपके मुख्तलिफ सब्जेक्ट में मार्क्स हैं और टोटल मार्क्स निकालने हैं तो वो डाटा से ही निकलेंगे, तो इसलिए डाटा को एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स कंसिडर किया जाता है। इट इनेबल द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू यूटिलाइज अदर रिसोर्सेज इफेक्टिवली। अब ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ मैनेजमेंट को इनेबल करेगा जिसके जरिए दूसरे रिसोर्सेज को इफेक्टिवली क्या किया जा सकता है, यूटिलाइज किया जा सकता है। इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक गुड डिसीजन इफ डाटा इज नॉट अवेलेबल इन डिजायर फॉर्मेट। अगर आपके पास डाटा ही अवेलेबल नहीं है आपके डिजायर फॉर्मेट में तो ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि आप उससे कोई डिसीजन ले सकें। तो डाटा का होना और एक गुड फॉर्मेट में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जितना मैंने आपको समझाया सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए समझाया कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि डाटा
क्या है। अब जो लिखना है वो भी मैंने आपको बता दिया, और ये क्या है, एक शॉर्ट क्वेश्चन है। अब इसकी एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, आपके पास टाइम हो तो एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, वरना जितना बताया है उतना काफी है। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि आप अपने कॉलेज या स्कूल वगैरह में एडमिशन लेते हैं, तो वहां पर आपको एक एडमिशन फॉर्म दिया जाता है जिसके अंदर आपने इंफॉर्मेशन पुट करनी होती है, आपका नाम क्या है, आपका बेफॉर्म नंबर क्या है, इसी तरह से आपका फादर एड्रेस, फोन नंबर, इस तरह की चीजें। तो वो जो आप डाटा एंटर कर रहे हैं वो डाटा ही तो है, वो कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं दे रहा, लेकिन आपके रिलेटिव बहुत ज्यादा डाटा कलेक्ट कर लिया जाता है ताकि स्टडी पीरियड में कॉलेज या यूनिवर्सिटी है ना, वो आप स्टूडेंट का डाटा को मेंटेन रख सके, उसके रिकॉर्ड को मेंटेन रख सकते हैं। अब टाइप ऑफ डाटा की बात करें, डिफरेंट टाइप हो सकती है डाटा की, जैसे कि न्यूमेरिक डाटा होगा, आपकी एज है तो एक नंबर में ही आप शो करेंगे, इसी तरह आपका रोल नंबर क्या है, आपका बेफॉर्म नंबर क्या है, आपका शनाख्ती कार्ड का नंबर क्या है, तो वो क्या चीजें आ जाएंगी हमारे न्यूमेरिक डाटा में आ जाएगी। और इसमें उसने बताया ये कंसिस्ट करते हैं 0 to 9 से, जैसे कि यहां पर उसने मुख्य नंबर बताए, ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके से हो सकते हैं। अल्फाबेटिक की बात करें तो इसमें हमारे पास नंबर आ जाते हैं, जैसे कि यहां पर उसने बता दिया अल्फाबेटिक A to Z, और इसके बाद इसमें ब्लैंक स्पेसेस भी होती है, जैसे कि यहां पर IT और सीरीज के दरमियान एक स्पेस है, तो स्पेस भी अल्फाबेटिक डाटा में आ जाएगी। अल्फा न्यूमेरिक की बात करें, नाम से ये जाहिर हो रहा है अल्फा भी है न्यूमेरिक भी है, यानी इसमें डिजिट्स भी होंगे, लेटर्स भी होंगे और स्पेशल करेक्टर भी होंगे। ये वाले जो आप देख रहे हैं प्लस मॉडुलस, ये सारे क्या है जी, स्पेशल करेक्टर है, और उसके बाद उसने एग्जाम्पल दे दी। तो इस तरह का जहां भी आप डाटा देखेंगे उसको क्या कहेंगे, अल्फा न्यूमेरिक कहेंगे। उसके बाद जो इमेज डाटा की बात करें, तो इमेज में इमेज आएगी, पिक्चर आ सकती है, ड्राइंग आ सकती है, चार्ट्स, ग्राफ, इस तरह से जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है डाटा की, उसको हम इमेज डाटा में ले सकते हैं। ये ज्यादा मोर कम्प्रीहेंसिव फॉर्म है डाटा की, इसको हम ट्रांसमिट करते हैं एज अ सेट ऑफ बिट्स। ऑडियो डाटा की बात करूं तो ऑडियो साउंड इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑडियो, हमें पता है ऑडियो में क्या होता है, साउंड होता है, जैसे कि म्यूजिक, स्पीच, कोई भी टाइप ऑफ डाटा हो सकता है जिसमें सिर्फ साउंड होगी, आपको साथ कोई विजुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, उसको हम ऑडियो डाटा कहेंगे। इसी तरह वीडियो डाटा की बात करें तो उसमें आपको फुल मोशन इमेज प्ले एट अ हाई स्पीड, यानी आपको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन नजर आ रही है, उसके साथ आपको ऑडियो भी मिल रही है, तो उसको हम वीडियो डाटा में कंसिडर करेंगे। जी, जो मैंने अभी आपको फॉर्म ऑफ डाटा बताया सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया, या MCQs आ सकते हैं, इसमें से आपको शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। अब बात करते हैं जी इन्फॉर्मेशन की, तो इन्फॉर्मेशन भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। हमारे पास जो डाटा था जो एग्जैक्ट मीनिंग नहीं दे रहा था, उस पर हमने प्रोसेसिंग की, कोई कैलकुलेशन की, उसके बाद जो उसने हमें एग्जैक्ट मीनिंग दिया उसको हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं। यानी डाटा को प्रोसेस किया, उसने कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दी या एग्जैक्ट डाटा दिया, उसको हम कहेंगे वो क्या है जी, इन्फॉर्मेशन है। तो प्रोसेस डाटा को क्या कहा जाएगा, इन्फॉर्मेशन कहा जाएगा। इन्फॉर्मेशन इज एन ऑर्गेनाइज एंड प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा, यानी डाटा की जो प्रोसेस्ड फॉर्म है उसको हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं। अब इन्फॉर्मेशन डाटा से ज्यादा मीनिंगफुल होती है, क्योंकि ये हमें मीनिंग प्रोवाइड कर रही है, हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे रही है जिसे हम डिसीजन लेने में यूज करेंगे। अब डाटा इज यूज्ड एज इनपुट फॉर प्रोसेसिंग, अब प्रोसेसिंग के दौरान जो डाटा है ना, जिस पर प्रोसेसिंग होगी वो डाटा एज ए इनपुट होगा, अब उस पर प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद आपको रिजल्ट दिया जाएगा कि ये जी आपका एग्जैक्ट रिजल्ट है। तो जो आपको रिजल्ट प्रोवाइड किया जाएगा वो आपकी आउटपुट होगी, यानी इन्फॉर्मेशन क्या होगी, आउटपुट होगी, और डाटा आप प्रोवाइड कर रहे हैं कि इस पर प्रोसेसिंग की जाए तो वो एज अ इनपुट होगी। जो भी आप एंटर करते हैं या कंप्यूटर को देते हैं उसको हम इनपुट कहते हैं, और जो कंप्यूटर हमें रिटर्न करता है उसको हम आउटपुट कहते हैं। अभी के लिए सिंपल मीनिंग्स में आपको ये समझना है। दिस इन्फॉर्मेशन कैन बी यूज्ड अगेन इन सम अदर प्रोसेसिंग, इस लाइन को हाईलाइट कीजिएगा, एक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए इंपॉर्टेंट लाइन है। उसने कहा कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है अगर उसको दोबारा से मैं प्रोसेस करूं तो क्या वो कंसीडर की जाएगी एज अ डाटा या फिर इन्फॉर्मेशन, ये क्वेश्चन बन रहा है। तो हम उसको एज अ डाटा कंसीडर करेंगे, यानी डाटा था हमारे पास, हमने उस पर प्रोसेसिंग की, इन्फॉर्मेशन आई, अब इन्फॉर्मेशन पर दोबारा से प्रोसेसिंग करेंगे तो उस वक्त उस करंट स्टेट में वो इन्फॉर्मेशन एज अ डाटा कंसीडर होगी, और उस इन्फॉर्मेशन पर प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट मिल रहा है उसको एज अ इन्फॉर्मेशन कंसीडर किया जाएगा। ठीक हो गया। जैसा कि एग्जाम्पल है कि आपके मार्क्स हैं स्टूडेंट के डिफरेंट सब्जेक्ट में, वो क्या है हमारे पास जी, डाटा। फिर हमने कहा कि जो डाटा हमारे पास डिफरेंट सब्जेक्ट में मार्क्स है स्टूडेंट के, उनको कैलकुलेट करो, टोटल मार्क्स बताओ। यानी इस डाटा पर क्या हुई, प्रोसेसिंग हुई, कैलकुलेशन हुई, और वो क्या बन गया जी, टोटल मार्क्स हमें प्रोवाइड किए गए। तो टोटल मार्क्स इस वक्त क्या है, एज अ इन्फॉर्मेशन। फिर कहा गया कि जो मार्क्स है ना, टोटल जो इन्फॉर्मेशन है इस वक्त, इस पर प्रोसेसिंग करके हमें एवरेज दो, स्टूडेंट के मार्क्स की एवरेज चाहिए कि कितने परसेंट उसके मार्क्स आए हैं।
अब हमने टोटल मार्क्स को यूज करके एवरेज निकालनी होती है, तो इस वक्त टोटल मार्क्स जो हम यूज करेंगे वो एज अ डाटा कंसीडर होगा, उसके बाद जो हमें एवरेज मिलेगी वो एज अ इंफॉर्मेशन कंसीडर होगी। मुझे लगता है कि आपको अब समझ आ गई होगी इन्फॉर्मेशन के बारे में, कि इन्फॉर्मेशन प्रोसेस फॉर्म है डाटा की। अगर इन्फॉर्मेशन को दोबारा से प्रोसेस किया जाएगा तो उस वक्त वो एज अ डाटा कंसीडर होगी और रिजल्ट एज अ इन्फॉर्मेशन कंसीडर होगा। जैसा कि हमारे पास डाटा है, कोई मीनिंग एग्जैक्ट मीनिंग नहीं दे रहा होता, रा फैक्ट्स होते हैं, बहुत ही ज्यादा ह्यूज वॉल्यूम में होता है, उस पर हम कोई प्रोसेसिंग करते हैं। अब यहाँ पर आती है टर्म प्रोसेसिंग, तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं प्रोसेसिंग क्या है। तो सिंपल बताऊं तो ये आप इतना याद रखें कि कोई कैलकुलेशन है, डाटा की मैनेजमेंट है, ये डाटा को मैनेज कर देती है कि हमें कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देकर, ठीक है जी। ये प्रोसेसिंग क्या है, ये बहुत ही ज्यादा जो हमारे पास डाटा है उसको मैनेज कर देती है एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देकर जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो इंफॉर्मेशन भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है, जैसे कि पूछा जा सकता है कि व्हाट इज डाटा, इसी तरह से पूछा जा सकता है व्हाट इज इंफॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन में भी आपने सिर्फ इतना करना है यहां से लेकर यहां तक और एंड वाली लाइन ये वाली, दिस इन्फॉर्मेशन कैन बी यूज अगेन इन सम प्रोसेसिंग, ठीक है जी। ये काफी होता है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, और साथ इस तरह से विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे दें कि डाटा को प्रोसेस करने के बाद इन्फॉर्मेशन निकलती है। यहां पर एग्जाम्पल है तो आप दे सकते हैं कि जो आपके पास स्टूडेंट की हमने कहा था एडमिशन फॉर्म है तो वो एक डाटा है, उसके बाद हमने कहा कि वो सारे स्टूडेंट की लिस्ट निकालो जो फैसलाबाद में रहते हैं। अब जब हमने कोई कैलकुलेशन की, कोई प्रोसेसिंग की, डाटा को मैनेज किया किसी ना किसी तरीके से, तो जो हमारे पास डिजायर लिस्ट आएगी वो उन स्टूडेंट की आएगी जो सिर्फ फैसलाबाद में रहते हैं, उनके अलावा कोई नहीं आएगा। तो इस तरह से जो डिजायर लिस्ट आई वो हमारे पास क्या है जी, इन्फॉर्मेशन है। अब हम चलते हैं जी डिफरेंस की तरफ, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो डिफरेंस बिटवीन डाटा इन्फॉर्मेशन, यही आपका होमवर्क भी, आपने इसे दो मरतबा लिखना है सेपरेट, और आपने लिखने हैं हर मरतबा से जो जो आपके जेहन में पॉइंट आ रहे हैं, आगे पीछे आ रहे हैं, अपनी वर्डिंग में आ रहे हैं, इजिली उन्हें लिखे और उसके बाद चेक करें कि आपने सही से लिख ली है। तो उसके बाद आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि आपने होमवर्क किया है या नहीं किया, ताकि मुझे भी पता चले कि बच्चे अगर पढ़ रहे हैं कुछ तो वो क्या कुछ गेन कर रहे हैं इसके साथ, मेरे पढ़ाने का कुछ फायदा भी हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके बाद ये बात करते हैं डाटा और इन्फॉर्मेशन की, हमने अच्छे से देख लिया कि भाई डाटा और इन्फॉर्मेशन क्या है। अब भी एक मरतबा देख लेते हैं, तो डाटा रा फैक्ट्स फिगर होते हैं, अनप्रोसेस फॉर्म होता है, कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं दे रहा होता, जबकि इन्फॉर्मेशन प्रोसेस फॉर्म डाटा की होती है। इसी तरह डाटा को हम एज अ इनपुट कंसीडर करते हैं, जबकि इन्फॉर्मेशन एक आउटपुट होती है। डाटा ज्यादा मीनिंगफुल नहीं होता आप, जबकि इन्फॉर्मेशन को कह सकते हैं ये ज्यादा मीनिंगफुल है, क्योंकि आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे रही है। जैसे कि डाटा की बात करें तो सारे के सारे स्टूडेंट हैं, हमें सिर्फ फैसलाबाद के चाहिए थे, तो उस वक्त वो डाटा हमें कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं था दे रहा, जबकि जब हमने कोई प्रोसेसिंग की तो सिर्फ डिजायर लिस्ट मिली तो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए ज्यादा मीनिंगफुल होगी। इसी तरह डाटा इज नॉर्मली ह्यूज इन इट्स वॉल्यूम, डाटा का वॉल्यूम ज्यादा होता है जबकि इन्फॉर्मेशन का कम होता है। वॉल्यूम को आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि ज्यादा तादाद में होता है। तो डाटा इज द एसेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज नॉट अवेलेबल टू पीपल फॉर सेल। अब लोगों को नहीं ये बराह रास्त दिखा देते कि हमारे पास इतना डाटा है ये सारे देखते, बल्कि उनको सिर्फ एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दी जाती है। डाटा इज डिफिकल्ट और इवन इम्पॉसिबल टू रिप्रोड्यूस। अगर जो डाटा है उसको दोबारा से रिप्रोड्यूस करना ये मुश्किल हो जाता है अगर वो आपसे लॉस हो जाए, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है और ज्यादातर इम्पॉसिबल भी हो जाता है। जैसे कि उन्होंने कहा कि कोई गवर्नमेंट लॉस हो जाए तो इसको भी रिप्रोड्यूस करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, जबकि इन्फॉर्मेशन को रिप्रोड्यूस करना इजी होता है, क्योंकि हमारे पास डाटा होता है, इन्फॉर्मेशन डाटा पे डिपेंड कर रही होती है, तो हम डाटा से दोबारा इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं, इसलिए इसको रिप्रोड्यूस करना आसान है। तो डाटा इज यूज्ड रेयरली, इन्फॉर्मेशन इज यूज्ड फ्रीक्वेंटली। अब जो डाटा है वो ज्यादा नहीं यूज होता जबकि इन्फॉर्मेशन अक्सर ज्यादातर यूज होती है। डाटा इज इंडिपेंडेंट एंटिटी, डाटा किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा जबकि इन्फॉर्मेशन डाटा पे डिपेंड कर रही है। इसी तरह अगर हम बात करें डाटा इज यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग, हम डाटा को डिसीजन मेकिंग में यूज कर सकते हैं जबकि इन्फॉर्मेशन इज डाटा इज नॉट यूज इन डिसीजन मेकिंग। डाटा को हम डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग में यूज नहीं कर सकते, बल्कि उससे हम कोई इन्फॉर्मेशन लेंगे, कोई प्रोसेस फॉर्म लेंगे और उसके बाद उसको हम यूज कर सकते हैं डिसीजन लेने में, ठीक हो गया। तो ये डाटा और इन्फॉर्मेशन के दरमियान जो डिफरेंस है ये आपका होमवर्क है, आपने इसे अच्छे से करना है। और याद रखिएगा जब आपको पेपर में पूछा जाता है तो लाजमी नहीं ये 9 के 9 पॉइंट ही आपने लिखने, जो जेहन में आ रहे हैं दोनों तरफ से उनको ऐसे लाइन लगाकर दोनों को लिख दे। अगर आपको बिल्कुल भी जेहन में नहीं आ रहे इसको इस तरह से लिखना है तो डाटा की डेफिनेशन लिखें वर्सेस इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन लिख के एग्जाम्पल दें, ठीक है जी। अब हम चलते हैं जी मेटा डाटा की तरफ, तो ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है, बस इससे ज्यादा नहीं है। तो मेटा डाटा का मतलब होता है डाटा के रिलेटेड डाटा।
अब डाटा के रिलेटेड क्या डाटा हो सकता है, मैं कहूंगी आपने एंटर करने हैं अपना रोल नंबर, ठीक है जी। तो क्या आप अपना रोल नंबर है, अगर आपका वन है तो आप ONE1 लिखेंगे, नहीं आप वन लिखेंगे। इसी तरह मैं कहूंगी आपने अपने मार्क्स एंटर करने हैं, फर्ज करें एक स्टूडेंट के 100 में से 77 आए, तो क्या आप उसे अल्फाबेटिक फॉर्मेट में लिखेंगे, नहीं आप उसे इंटीजर फॉर्मेट में लिखेंगे। तो इसका मतलब आप जो डाटा एंटर कर रहे हैं वो इंटीजर टाइप का होना चाहिए। तो इस जगह पर जो हमने कहा ना इंटीजर, तो इसका मतलब ये डाटा के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है कि किस तरह का डाटा एंटर हो सकता है, कितना डाटा एंटर हो सकता है, किस तरह का डाटा एंटर हो सकता है है। तो इस तरह से जो डाटा के रिलेटेड डाटा हमने रखा है ना उसको हम मेटा डाटा कहते हैं। अब यहां पर उसने कहा कि डाटा अबाउट डाटा, डाटा के रिलेटेड जो डाटा है, इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सम अदर डाटा, कुछ डाटा की वो प्रॉपर्टीज बता रहा होगा कि किस तरह का डाटा एंटर होना चाहिए, कैसा डाटा एंटर होना चाहिए। इसी तरह मेटा डाटा जो आपका साइज भी बताएगा कि इतने साइज का डाटा एंटर करो, इसी तरह फॉर्मेट भी बताएगा कि किस टाइप का डाटा एंटर करो और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताएगा। अब हम इस डाटा पर कुछ रूल या कंसेप्ट रेट भी लगा सकते हैं। बेसिकली इतना आप कर लेना यहां से लेकर इतना, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए काफी है। यहां पर उसने एग्जांपल दिया है तो मैं आप टेबल से आपको इसको क्लियर कर देती हूं। जैसे कि रोल नंबर है तो रोल नंबर एंटर करने के लिए आपको इंटीजर टाइप का डाटा होना चाहिए, यानी इस डाटा के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है कि रोल नंबर इंटीजर टाइप का हो, यानी आप 1, 2, 3 इस तरह से नंबर एंटर कर सके, उसकी लेंथ 3 हो, यानी इससे ज्यादा एंटर ना कीजिएगा, और यानी आप फर्ज करें आपने रोल नंबर एंटर कर दिया 1045 तो आपने 3 लेंथ से ज्यादा एंटर कर दिया, तो इसका मतलब 3 लेंथ होनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन है कि रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट ये बता रहा होगा, और इसी तरह यहाँ पर एक रूल लगा दिया, कंस्ट्रेंट लगा दिया कि इसकी वैल्यू 1 to 100 होनी चाहिए, यानी अगर आप 101 भी एंटर करते हैं तो वो एंटर ना हो। तो इसका मतलब कि इस डाटा के रिलेटेड ये डाटा है कि इसकी डाटा टाइप क्या हो, इसका लेंथ क्या हो, इसकी डिस्क्रिप्शन, इसका कंसेंट्रेट। इसी तरह नेम है तो वो बता रहा है कि नेम अल्फाबेटिक होने चाहिए, आप लेटर एंटर करें उसकी लेंथ 50 होनी चाहिए, इससे ज्यादा आप करेक्टर एंटर ना करें, और नेम ऑफ द स्टूडेंट, और कोई रूल यहाँ पर नहीं लगा। तो ये क्या है, ये हमारे पास है जी डाटा जो एंटर होगा, और किस टाइप का डाटा एंटर होगा, कितनी लेंथ होगी, ये क्या है जी इसका मेटा डाटा। यहाँ पर उसने एग्जाम्पल दी, जैसे कि हमारे पास रोल नंबर है तो हमने 1 एंटर किया, 2 एंटर किया। क्यों 1, 2 एंटर किया, क्योंकि यहाँ पर इसका डाटा मेंशन है कि इंटीजर टाइप का डाटा एंटर हो, नेम अल्फाबेटिक होना चाहिए, इसी तरह जो एड्रेस है वो अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, और ईमेल है जी यहाँ पर ईमेल भी अल्फा न्यूमेरिक हो सकती है जिसमें स्पेशल करेक्टर वगैरह भी आ सकते हैं, इसीलिए हमने लिख दिया, और फोन नंबर है वो भी अल्फा न्यूमेरिक हो जाना चाहिए। अल्फा न्यूमेरिक क्या है हमने पीछे देखा है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं एक मिनट के लिए सोच के अल्फा न्यूमेरिक डाटा टाइप का क्या मतलब है। उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, अक्सर रिपीट हुआ है, इसे अगली वीडियो में करेंगे। अभी के लिए हमने जो पढ़ा हमने अच्छे से डिस्कस किया, मैंने बहुत ही ज्यादा डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है, अगर आप इसी तरह डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो भी बताएं कमेंट बॉक्स में। अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ आपको स्मार्ट स्टडी यानी ऊपर ऊपर से समझाती जाऊँ थोड़ा बहुत और करवा दूँ सारा, तो उस तरह से भी मैं समझा सकती हूँ, आप बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, एक कमेंट लाजमी से किया करें। अगर कोई इंसान आपके लिए 20 मिनट निकाल रहा है वीडियो बनाने में, सिर्फ 20 मिनट नहीं लगते, काफी मरतबा दोबारा से वीडियो में बनाना पड़ती है, कोई शोर आ जाता है, कोई मसला आ जाता है, अगर कोई इंसान इतना टाइम निकाल रहा है तो आप एक मिनट निकाल कर एक अच्छा सा कमेंट कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो।